अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद की बहुत सारी छुट्टियों के बाद आज मैं आपके लिए एक ट्राउज़र का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये ट्राउज़र मैंने रमज़ान में ही स्टिच किया था, लेकिन इसकी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो आइए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। पहले मैंने ट्राउज़र की मोड़ाई के हक के बाद 1 इंच कपड़ा छोड़कर तीन 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 पेंटेक्स लगा ली हैं, फिर 2 इंच का स्पेस छोड़कर फिर वापस 3 इंच पेंटेक्स लगा ली हैं। अब ये 2.5 इंच की मैंने पट्टी ली है, जिसकी लेंथ पैंचे की चौड़ाई जितनी है, और ये बहुत सारी मैंने डोरियां तैयार कर ली हैं। इस पट्टी पर 1 इंच से कम 0.75 के डिस्टेंस से निशानात लगा लिए हैं दोनों तरफ। इन निशानात पर डोरी के लूप्स बनाकर लगाए हैं। लूप्स लगाते हुए एक निशान पर लूप्स लगाए और एक निशान को स्किप किया है, फिर दूसरे निशान के ऊपर लूप्स लगाया है, और इसकी अपोजिट साइड के ऊपर जहां जो हमने स्किप किया था निशान, वहां लूप्स लगाया है। ये मैं जूम करके दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसके बाद ट्राउज़र पे जहां हमने पिनटेक्स लगाई थी, तो दोनों पिनटेक्स के पेयर के दरमियान में हम कट करेंगे और यहां इस लूप्स वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। न्यू कपड़े पर तो ये लूप सीधे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कपड़ा पुराना होता जाता है ये हटते रहते हैं, इसलिए मैं इसको अभी से ही हैंड स्टिच की मदद से अटका दूंगी। कंप्लीट स्टिचिंग के बाद देखिए इस ट्राउज़र की मुकम्मल लुक। आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा फिर किसी नई स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।